Hello everyone and welcome to Tariq and welcome to our special segment Prints of India. And the print for today is the age-old tradition of Ajrak. अजरक प्रिंटिंग की हम जब बात करें तो कहते हैं कि ये 4000 ईयर्स ओल्ड है, मतलब 3000 BCE में कि इसकी इजाद हुई थी और ये इंडस रिवर के आसपास इसकी प्रिंटिंग की टेक्निक शुरू हुई थी। और जब हम देखें तो इंडस के आसपास तो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, तो कहते हैं कि उस वक्त उस जगह पर इसकी प्रिंटिंग जो उसकी टेक्निक है वो शुरू हुई थी। कहा जाता है कि जो हड़प्पन बस्ट है, एक प्रीस्ट बस्ट है, उन्होंने जो लेफ्ट शोल्डर से जो उनका एक क्लॉथ दिख रहा है वो एक्चुअली जो उसमें पैटर्न है वो अजरक पैटर्न है। यू कैन सी ट्रिफॉयल्स ऑन दैट एंड ओरिजिनल जो बस्ट था वो रेड ट्रिफॉयल्स थे ऑन अ ब्लू और ग्रीन बैकग्राउंड एंड ये ट्रिफॉयल्स इट रिमाइंड यू ऑफ अजरक। ये जो पर्टिकुलर पैटर्न है ये सिर्फ इधर ही नहीं, यू कैन सी इट इन मेसोपोटामिया एंड इजिप्ट ऑल्सो। इजिप्ट में भी इन ग्रेव्स पीपल हैव फाउंड दिस सिमिलर पैटर्न क्लॉथ। और मेसोपोटामिया, इजिप्ट और जो हड़प्पन सिविलाइजेशन थी, ये ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन थी एंड दे हैड ट्रेड कम्युनिकेशन एंड कॉन्टैक्ट्स विद ईच अदर। तो हो सकता है कि हड़प्पा से भी ये क्लॉथ जो है ये वहाँ मेसोपोटामिया और इजिप्ट गया हो। तो ये एक स्पेकुलेशन है कि जो हम हड़प्पन बस्ट, प्रीस्ट बस्ट देखते हैं उसमें यू फाइंड दीज ट्रिफॉयल्स, ऑल्सो ऑन द सील्स, ऑन बीड्स यू फाइंड सिमिलर पैटर्न्स। हो सकता है ब्लॉक प्रिंटिंग के लिए भी कभी ना कभी वो यूज़ की हो चीज़, बट इट्स जस्ट यू नो ओपन टू वेरियस स्पेकुलेशंस। ट्रेफॉयल का जो पैटर्न है दैट इज़ नॉट इंडिजिनस टू द इंडस सिविलाइजेशन और टू इंडिया, बट हाउ द वर्ल्ड नोज इट इज़ फ्रॉम द मेसोपोटामियन एंड द इजिप्शियन सिविलाइजेशंस। इजिप्ट में खासकर इट इज़ लाइक अ डिवाइन मोटिव वेयर इट रिप्रेजेंट्स द कमिंग टुगेदर ऑफ द थ्री गॉड्स ऑफ वाटर, सन एंड अर्थ। बट जब हम इंडिया में उसकी बात करते हैं और ख़ासकर जब हम अजरक की तरफ उसकी ट्रेफॉयल पैटर्न की बात करते हैं, तो इट इज़ अ वेरी कॉमन प्रिंट ऑफ ककर, विच इज़ व्हाट इज़ यूज्ड इन अजरक टू रिप्रेजेंट द क्लाउड्स। सिर्फ इंडस सिविलाइजेशन में ही हमको अजरक या फिर सिंध के क्लॉथ का इनडायरेक्ट एविडेंस नहीं मिलता है। ड्यूरिंग द ऋग्वेदिक एज ऑल्सो सिंध वॉज नोन एज सुवासा, द मेकर ऑफ गुड क्लॉथ। And even later, by the first century, we have evidence of the Romans talking about cloth that was being imported from India, particularly Sindh. This particular cloth that was being imported from Sindh was called sendatus. Even Panini's Ashtadhyayi, which was a 6th century grammatical work, that also talks about cloth that was dyed in Sindh, and he uses various terms to describe the various colors. For instance, Neela was indigo, Kalaka was black, Lohitaka was red, and Laksha was a word used for cloth that was madder dyed. Jo earliest direct evidence hai Ajrak print ka, that is found in the tombs of Egypt, particularly a tomb that is very close to Cairo. Now this tomb is about 600 to 800 years old, and there the fragment of cloth that is found there is referred to as work or cloth that was imported from Gujarat. अजरक फैब्रिक का जो मेन सोर्स ऑफ ओरिजिनेशन इज एक्चुअली सिंध। तभी वो मोहनजोदारो जब हड़प्पन टाइम्स में था, तो बिकॉज सिंध इज मोहनजोदारो, दैट एरिया इज दैट, तो वहीं से मिला था और जो सोर्स वो सिंध है। तो मिडिवल टाइम्स में जो रन ऑफ कच्छ के महाराजा थे राव भारमल जी, ही हैड इन्वाइटेड दीज क्राफ्ट्समैन फ्रॉम सिंध to settle in his area, to in his place in Bhuj, in that region, and to practice this craft. And also he had made beneficial relationships with Jahangir, who was the emperor of Hindustan at that time, so that you know iska ye jo craft hai wo flourish kare, and it was a very beautiful craft, as we all know kitna sundar hai, to wo flourish karne ke liye he invited them. So this was 400 years ago. तो जब हम सिंध से कच्छ आया,
गुजरात की तरफ ये क्राफ्ट आया, और साथ ही साथ बाड़मेर विच इज़ इन राजस्थान, वहाँ पे भी इस क्राफ्ट की प्रिंटिंग प्रिंट की जो प्रैक्टिस की जाती है. सो दीज आर द थ्री प्लेसेस यू हैव सीन, गुजरात एंड राजस्थान. यहाँ पे अजरक प्रिंटिंग होती है एंड हर एक अजरक प्रिंट वो एक दूसरे से अलग है, फैमिलीज भी डिफरेंट है. जो यहाँ सेटल हुए थे दे हैड कन्वर्टेड टू इस्लाम इन द 12th सेंचुरी एंड दे वर द खत्रीज इन द गुजरात रीजन एंड दे स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग इट. बट अनफॉर्चुनेटली इन 2001 दो द प्लेस वेयर दे वर प्रैक्टिसिंग वॉज धमड़का. बट वहाँ पे जब 2001 में गुजरात में अर्थक्विक आया, दे हैड टू शिफ्ट देयर प्लेस टू अजरकपुर विच इज़ फ्यू किलोमीटर्स अवे फ्रॉम दिस प्लेस. अजरक प्रिंट की जब हम इन तीन जगहों से जिनकी प्रिंट देखते हैं, दे ऑल आर वेरी डिफरेंट. व्हेन वी लुक एट सिंध, वहाँ के जो अजरक में रेड, मरून, ब्लैक और वाइट का कॉम्बिनेशन बहुत है, द डिज़ाइंस आर मच मोर शार्पर. जब हम लोग अजरकपुर के अजरक फैब्रिक्स देखते हैं, दे हैव रेड, इंडिगो, डार्क ग्रीन, वाइट बेस पे भी, क्रीम बेस पे भी होता है, देन वी हैव ब्लैक आल्सो. एंड जब हम बाड़मेर के जब अजरक प्रिंटिंग के कलर्स देखते हैं, देयर इज मोस्टली शेड्स ऑफ ब्लू एंड रेड एंड इट्स स्लाइटली इट गिव्स अ मोर फेडेड लुक. एवरी एंड हर एक फैमिली को पता है कि उनकी अजरक, हर एक फैमिली अजरक की जो ये प्रिंटिंग करती है वो डिफरेंट है. देन द टेक्निक दैट दे यूज इज ऑल्सो स्लाइटली डिफरेंट. मोस्टली जब हम अजरक फैब्रिक को देखते हैं तो आपको ज्योमेट्रिक प्रिंट दिखाई देता है. अभी तो फ्लोरल प्रिंटिंग भी उसमें आप देख सकते हैं, मतलब आई थिंक बिकॉज टाइम जो चेंज हुए हैं. इनिशियली ये जो अजरक फैब्रिक है ये मलधारीज पहनते थे, हर्जमैन पहनते थे, लोग टर्बन्स पहनते हैं, शॉल की तरह भी लिया जाता है बिकॉज अजरक इज जस्ट नॉट प्रिंटेड ऑन कॉटन बट ऑल्सो ऑन सिल्क, जिसको हम मोडाल सिल्क बोलते हैं, मशरू सिल्क बोलते हैं, एंड वूल पे भी किया जाता है और अब तो चंदेरी में भी शुरू कर दिया है. आई थिंक विद द चेंज ऑफ टाइम द नीड ऑफ द आवर इज फॉर देम टू स्प्रेड दैट. या इवन कोटा कॉटन पे भी किया जाता है. गुजरात और राजस्थान में यू कैन सी पीपल वेयरिंग द टर्बन इन अजरक, स्कर्ट, दुपट्टाज, बेडशीट्स. नाउ तो इवन बेडशीट्स हैव स्टार्टेड. इनिशियली द पैटर्न रिप्रेजेंटेड द स्काई बट द चेंज ऑफ कलर्स इट रिप्रेजेंटेड द शेड ऑफ द यू नो स्काई. जैसे नीला है तो आसमान है, लाल है तो वो डस्क हो गया, और जो रात है वो ब्लैक से सिम्बलाइज करते थे. इनिशियली दीज वर द कलर्स यूज बट अभी विद द चेंज इन टाइम आप ग्रीन और येलो भी देखते हैं, हैज बीन एडेड इन द प्रिंट एडेड इन द अजरक प्रिंटिंग. ये तो बात हुई अबाउट हाउ एंड वेयर द क्राफ्ट ओरिजिनेटेड, हाउ इट डिवेलप्ड, बट देर आर मेनी ओपिनियंस ऑन हाउ दिस आर्ट फॉर्म केम टू बी नोन एज अजरक. नाउ कहा जाता है दैट द क्लॉथ दैट वॉज बींग ट्रेडेड इट वॉज मोस्टली ब्लू इन कलर एंड द अरबिक वर्ड फॉर ब्लू वॉज अजरक. And that is how the word derived, the craft derived its name. But there are also people that say that the term had Sanskritic origins, where ajharat means cloth that did not lose color. Okay. Because ajrak, the cloth will get old, but jo print hai, wo fade itni aasani se nahi hota hai. Or there is also a more colloquial understanding of the term where अजरक मीन्स कि आज के दिन रख ले, बिकॉज जब आप अजरक को ड्यूरिंग द प्रोसेस इट इज़ बिलीव्ड दैट द लॉन्गर द क्लॉथ स्टेज इन द डाई द बेटर द प्रोडक्ट. एक और इसमें एक फनी एनेक्डोट है इन अ वे मे बी विद द लोकल आर्टिजन्स कि देयर यूज्ड टू बी अ रूलर ऑफ द कच्छ हु वॉज वेरी ऑपुलेंट एंड ही वॉन्टेड न्यू थिंग्स एवरी डे एंड हर दिन उनकी चादर बदलती थी. तो एक दिन अजरक की चादर बिछाई गई और उनको वो इतनी प्यारी लगी तो व्हेन द नेक्स्ट डे द सर्वेंट्स केम टू चेंज द बेडशीट ही सेड आज रख दे. तो इट वाज दैट इज़ हाउ सम पीपल बिलीव दैट द क्राफ्ट गेन्ड इट्स नेम. द प्रोसेस ऑफ प्रिंटिंग अजरक इज रियली लॉन्ग, मतलब 15 स्टेप्स यूज़ करते हैं एंड कहते हैं अगर ईच स्टेप में उसको वेट करा दिया जाए कि ईच स्टेप के बीच में तो उसका वो जो फैब्रिक है वो और फाइन बन जाता है. इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस. दो अभी
इतना लॉन्ग नहीं करते क्योंकि नोबडी हैज टाइम. लाइम वॉज यूज, हार्डा वॉज यूज, हार्डा एंड आई थिंक एंड अल्जरिन दैट वॉज यूज फॉर द रेड कलर. नेचुरल डाइज भी यूज़ करते, नेचुरल प्रोडक्ट्स, वेजिटेबल डाइज भी यूज़ करते थे. कैमल टंग भी यूज़ करते थे. एलम वॉज यूज बिकॉज फॉर एज अ मॉडर्न, बिकॉज यू नीड टू ट्रीट योर क्लॉथ बिफोर प्रिंटिंग इट एंड बिफोर डाइंग इट. एंड इंडिगो, ऑफकोर्स इंडिगो भी यूज़ किया जाता था. 19th century तक वेजिटेबल डाइज यूज़ करते थे, बट उसके बाद केमिकल डाइज भी आने शुरू हो गए थे एंड दे स्टार्टेड यूजिंग दैट एज. इन 2001 व्हेन भुज वॉज हिट बाय एन अर्थक्वेक, तो द खत्री कम्युनिटी दे री एस्टैब्लिश देमसेल्व्स एट अजरकपुर. तो एक तो रीज़न ये था कि वहाँ बहुत तबाही मच गई थी, बट साथ ही साथ जो वहाँ रिवर थी भुज में, जो धमड़का में जो रिवर थी सरन, उसका पानी का टेक्सचर भी चेंज हो गया था, विच वॉज नॉट हेल्पिंग इन डाइंग द क्लॉथ द वे इट यूज टू डाई अर्लियर. तो दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न वाई दे चेंज द लोकेशन. एंड कहते हैं पहले के टाइम पे जो ये खत्री कम्युनिटी थी, दे वुड यू नो taste the dye, especially red dye. Yeah, to taste the alum. Ki whether it is suitable, whether it will give a good texture to the cloth, you know, good color to the cloth. So this is how they would, you know, look into the ki kya quality kaise banegi, so that achhi quality banni chahiye. Aur Khatri community to 400 years se they have been making such a fine craft. उनमें से जो सबसे फेमस है वो इस्माइल खत्री हैं, जिनकी फैमिली और डिसेंडेंट्स जो हैं दे ऑल आर इनटू मेकिंग अजरक प्रिंटिंग. द क्राफ्ट ऑफ अजरक इज आल्सो प्रैक्टिस्ड बाय खोजा शेख्स हु वर वन ऑफ द अर्लीस्ट कॉन्वर्ट्स टू इस्लाम इन द सब कॉन्टिनेंट. दे कन्वर्टेड एज अर्ली एज द 12th century. वो भी अभी अजरक की जो कला है उसको वो भी जिंदा रखते हैं. Now we already spoke about how the process of making an ajrak print takes about 14 to 15 steps depending, and it takes a long time, sometimes 3 weeks, sometimes longer, depending on the technique, on the cloth, the dyes used. Of course ab artificial dyes bhi use hote hain, but most people still practice it with the traditional dyes. And the process of ajrak starts by washing the cloth multiple times to make it soft, pliant and to take out any impurities from the cloth. इसके बाद कपड़े को हार्डा या फिर हर्दा के साथ ट्रीट किया जाता है. हर्दा इज अ नेचुरल वेजिटेबल डाई. इट गिव्स अ स्लाइट येलोइश टिंच टू द क्लॉथ, बट इट ऑल्सो एक्ट्स एज अ मॉडर्नट, जिससे जो दूसरे डाइज हैं दे ऑल्सो कैच ऑन ईजली टू द फैब्रिक. अब एवरी स्टेप के बाद आप कपड़े को वापस धोते हैं. आफ्टर एवरी डाई यू वॉश द क्लॉथ अगेन. एंड जनरली रिजिस्ट पेंटिंग एंड ब्लॉक प्रिंटिंग इज यूज. ब्लॉक प्रिंटिंग multiple times the same pattern is repeated, and sometimes the patterns are changed for the border, and sometimes within the pattern itself different blocks are used depending on how intricate the pattern could be. And similarly a new dye is introduced through the different blocks, and इन सब के बीच में आप फिर कपड़े को वापस धोते हैं, सुखाते हैं, डाई करते हैं, सुखाते हैं, धोते हैं, सुखाते हैं. एंड दैट टेक्स अ वेरी लॉन्ग टाइम फॉर द फिनिश्ड प्रोडक्ट कम टू द स्टेट दैट वी परचेस इट इन द मार्केट. अजरक के मेकिंग प्रोसेस में पानी का भी ऑफकोर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है. द क्वान्टिटी एंड द क्वालिटी विल डिटरमाइन द डेप्थ ऑफ द कलर्स एंड द पैटर्न दैट इज बीइंग फॉलोड. जब हम अजरक के पैटर्न्स देखते हैं, मोस्टली ज्योमेट्रिक होते हैं. यू विल सी स्टार्स ऑल्सो, स्पेशली जब हम सिंध के अजरक देखते हैं उसमें स्टार्स आपको दिखाई देते हैं. जब हम मॉन्यूमेंट्स में भी जाते हैं, डोम्ड मॉन्यूमेंट्स में, जो उनके फ्रेस्कोज में आप अंदर जाएंगे तो देखेंगे यू वुड सी ज्योमेट्रिक पैटर्न्स दैट एक्चुअली रिमाइंड यू ऑफ अजरक प्रिंटिंग. And the colors also they have used is mostly blue, greens, natural colors, even whites. Whites, हाँ जी, and blacks also जो आपको nature के साथ resonate जो करते हैं वो colors दिखाई देते हैं. कभी कभार आपको बाहर facade में भी similar patterns and similar colors दिख जाते हैं. इसी के साथ अजरक के दो variations होते हैं. Mostly what we see is the अजरक which is printed only on one side, उसको एक पूरी अजरक कहते हैं. But a more nuanced practice which is
मतलब बहुत ही सुंदर अजरक का जो पैटर्न है वो बीपुरी अजरक है, जहाँ द सेम पैटर्न इज प्रिंटेड एग्जैक्टली ऑन बोथ द साइड्स ऑफ द क्लॉथ. इट इज़ इवन बिलीव्ड दैट द कलर्स दैट वर यूज इन अजरक प्रिंटिंग वर मेंट टू वर अकॉर्डिंग टू द सीजन. सो जो नीले रंग का अजरक था दैट वॉज सपोज टू मेक द वेयरर फील कूल ड्यूरिंग द समर मंथ्स, एंड वही जो अजरक आपको लाल में मिलती थी वो आपको गर्मी सर्दियों में गर्म रखती थी. हम सभी जानते हैं कि जो अजरक प्रिंटिंग है वो बहुत ही खूबसूरत और इंट्रिकेट है, एंड अ लॉट ऑफ बिग ब्रांड्स हैव बीन सेलिंग दीज फैब्रिक्स इन द फॉर्म ऑफ साड़ीज, दुपट्टा, सूट्स, बेड शीट्स, बेड कवर्स. बट क्यों ना हम सब ये अजरक जो है, ये फैब्रिक है, या अगर साड़ी के तौर पे की सूट के तौर पे, बाय इट फ्रॉम द लोकल क्राफ्ट्समैन, बिकॉज दिस विल हेल्प देम टू बूस्ट. This will give them a boost, and it will also help them to boost this craft. And we should support our local craftspeople, our local artisans. और कहने की बात है कि जो हड़प्पन टाइम से क्राफ्ट है वो अभी भी सर्वाइव कर रही है, और जो हम किसी ना किसी तौर पर हमको उसी कला का मज़ा उठाना चाहिए. यू नो, वी शुड हेल्प देम एंड बाय लोकल एंड सपोर्ट हैंडलूम्स. I hope that you have liked today's episode. Like, share and subscribe, and keep watching Tareek.